व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो मेरे यूट्यूब की फर्स्ट की बने वीडियो है। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों की क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, एंड आई नो कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड है। वेल, तो एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हैं एंड क्यों ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पे जो क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा ही आई है तो मैंने उसे फर्स्ट पे रखी है। तो ये क्वेश्चन है रीमा की। रीमा ने लिखी है, हाय दी, क्या आप गैप डार्क थ्योरी की स्टोरी कंप्लीट करके मौन और सैम की एक और न्यू स्टोरी बनाओगे क्या प्लीज़? वेल, फर्स्ट डोंट से प्लीज बच्चा, एंड ऑफकोर्स मैं गैप डार्क थ्योरी के बाद नई नई स्टोरी बनाऊंगी। एंड क्यों नहीं बनाऊंगी, जब चाहने वाले इतनी ज़्यादा है तो मुझे तो स्टोरी बनानी ही पड़ेगी। तो यस, इसके बाद भी मैं स्टोरी लाती रहूँगी। वेल, सेम क्वेश्चन बहुत लोगों ने की है तो मैंने किसी एक का उठा लिया है। बाकी लोग प्लीज सैड मत फील करना कि मेरी कमेंट क्यों नहीं ली। मेरी स्टोरी के साथ साथ मैं Q&A वीडियो आगे लाती रहूंगी, तो जो जो लोग आज छूट जाएगी उनको मैं अगले एपिसोड में कवर कर लूंगी। ओके, डोंट बी सैड। हाँ, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंस्टा पे बहुत ज़्यादा ही आई है। तो क्वेश्चन है GJFDVDD की तरफ से, जब आप स्टोरी रिकॉर्ड करते हो तो आपको शाई फील नहीं होती? ऑफकोर्स मुझे बहुत शाई फील होती है, रिकॉर्ड करने से पहले भी और रिकॉर्ड करने के बाद भी मेरी शाइनेस चलती रहती है, जस्ट लाइक रूही की कैरेक्टर जो ऑल टाइम शाई फील करती है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है जिनका नाम है गेमर गर्ल। उसने लिखी है, हाय दी, डू यू हैव समवन स्पेशल इन योर लाइफ? नो बच्चा, आई डोंट हैव समवन स्पेशल इन माय लाइफ। एक्चुअल में राइट नाउ मुझे समवन स्पेशल की कोई नीड नहीं है और ना ही मैं कोई रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंगी अरोरा की। उन्होंने कहा, आप रियल लाइफ में कैसे हो? आई मीन नॉटी या फिर शाय? आई एम अ वेरी शाई पर्सन इन रियल लाइफ। एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा शाई हूँ कि मैं किसी के साथ आई कॉन्टेक्ट करके बात भी नहीं कर पाती हूँ, स्पेशली गर्ल्स। लिटरली मैं जब उनके साथ बात करती हूँ ना, मुझे जीएल सीरीज याद आ जाती है एंड आई थॉट कि दिशा शट अप, व्हाट आर यू थिंकिंग? और इसी चक्कर में ना बात नहीं हो पाती है, वो कुछ कहती है, मेरे दिमाग में जीएल सीरीज चलती है, ऊपर से मैं बहुत स्माइल करती हूँ, मेरी आंखें नीचे होती है क्योंकि मैं बहुत शाई पर्सन हूँ, एंड दी एंड होती है, मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आती है, फिर मैं घर आ जाती हूँ। नेक्स्ट उन्होंने कहा, आप रियल लाइफ में कैसे हो, नताशा के जैसे और रूही के जैसे? वेल, मैं रियल लाइफ में नताशा की तरह बनना चाहती हूँ, बट हूँ मैं वही रूही की तरह। नेक्स्ट, आपको रूही की कैरेक्टर में ज़्यादा अच्छा लगती है? थैंक यू, क्योंकि मैं हुई रूही की तरह। वेल, योर फेवरेट सिंगर? मेरी फेवरेट सिंगर दो है, श्रेया घोषाल एंड अलका याग्निक। और मुझे आपकी YT की DP की पिक्चर देखनी है। ओके, तो ये है वो शाई पर्सन जो किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाती है, ऑल टाइम स्माइल करती है और बहुत ज़्यादा शाई फील करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किया घोष की तरफ से। किया ने क्वेश्चन किया है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप बंगाली हो? वेल, मैं कलकत्ता से हूँ एंड यस आई एम अ बंगाली। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आरोति मंडल, बंगाली है, तो इनका क्वेश्चन है, क्या मैं बंगाली हूँ? और उन्हें लगता है कि मेरे लिस्ट में बहुत सारे बंगाली है तो मैं बंगाली में कुछ लिख दूँ। वेल, तो मुझे कुछ लिखना नहीं है, मुझे कुछ बोलना है दैट आमी खूब हैप्पी जे गैपर मतो एक सीरीज जेटा आमार खूब ही पछंदेर सेटा आमार कंट्रीते बांग्लाते किछु लोक पछंद करछे। एंड लिटरली मैं बस सोच रही थी कि गैप सीरीज की तरह या फिर और भी कोई GL या BL सीरीज अलग अलग कंट्री में बहुत पॉपुलर है, बट हमारे इंडिया में वो बहुत ही कम है, खास करके हमारे बंगाल में तो ये कुछ लोग जानता भी नहीं है। तो मैं बस सोच रही थी कि शायद मैं अकेली हो क्या जो बंगाल में रहकर ये सारे सीरीज को इतना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, बट आई वॉज रॉन्ग। कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे पर्सन जो मैसेज कर रहे हैं और वो लोग बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, एंड सीरियसली मैं जब उनके मैसेजेस देखती हूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। आई जस्ट थॉट थैंक गॉड कि बंगाल में कुछ लोग हैं जो ये सारे सीरीज को पसंद करते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजू की तरफ से। उन्होंने कहा, आप बाई हो या लेस्बियन और स्ट्रेट, प्लीज़ रिप्लाई कर देना। वेल, मैं बाई हूँ या फिर लेस्बियन मैंने कभी इतना ढूंढा नहीं है एक्चुअली, बट
ये कन्फर्म दैट आई एम नॉट स्ट्रेट. आई थिंक दैट इज इनफ एंड आई होप कि आपको आपकी आंसर मिल गई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनी की तरफ से. मैं इन्हें नोटिस करती हूँ क्योंकि इनके नाम मुझे बहुत पसंद है. वेल, इन्होंने कहा मैं हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है. आपको जब पता चला कि आप स्ट्रेट नहीं हो तो आपकी रिएक्शन क्या थी एंड कौन सी एज में आप ये जान पाए? एक्चुअल में ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये बचपन से ही होती है एंड उस टाइम पे आप कन्फ्यूज होते हो कि आपके साथ ये क्या हो रही है. सेम मेरे साथ भी हुई थी. उस टाइम पे मैं बहुत ही कन्फ्यूज थी. मैं बस सोच रही थी कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं एक लड़की को कैसे देख रही हूँ, जबकि मुझे एक लड़के को देखना चाहिए. इवन हर एक जगह पे, वो रियल लाइफ में हो या फिर कोई मूवी में या फिर कोई गाने में, मैं मेल कैरेक्टर से ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर को ज़्यादा फॉलो करती थी. एंड मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी सेकेंड ईयर में, तब जाके मैं एकदम कन्फर्म हो गई थी. तो मेरी रिएक्शन कुछ शॉकिंग नहीं थी. मैं एक्चुअली प्राउड थी कि मेरी फीलिंग्स जो है वो बहुत ही अलग है एंड लिटरली मैं बहुत हैप्पी भी थी. और हम सबको भी प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग अलग है. वेल, मेरी लाइफ जर्नी के बारे में कोई और वीडियो बनाऊंगी. ये Q&A है, इसे Q&A ही रहने देते हैं. वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है. इनका नाम है एंटरटेनमेंट. वाओ, नाइस नेम. इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप कुछ माइंड नहीं करते तो क्या आप हम लोगों को बताएंगे कि आपकी लाइफ में कोई आइडल है? वेल, मेरे लाइफ में आइडल कभी थी नहीं, बट गैप द सीरीज के बाद हो गई है. वो है सरोजा फ्रीन. यस, नाउ फ्रीन सरोजा इज माय आइडल. और मैं अपने आइडल के साथ बस बेकी को ही देखना चाहती हूँ और किसी को नहीं. एंड आई नो कि गैप के बाद ये दोनों ही आपकी फेवरेट पर्सन हो चुकी है. वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है. मैं इनके नेम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये कोई नेम नहीं है, एक कॉमन अकाउंट है. तो इनका क्वेश्चन है, आप कैसे इतने फील के साथ स्टोरी बोलते हो? अगर आप स्ट्रेट हो तो कैसे इतने फील दे रहे हो? इट्स वेरी पर्सनल, आई नो, बट मैं सच में जानना चाहती हूँ, प्लीज़ इसे स्किप मत करना. वेल, तो वही है कि स्ट्रेट नहीं हूँ, दैट्स वाई इतनी फील दे रही हूँ. अगर स्ट्रेट होती तो आई डोंट थिंक सो मैं इतनी फील दे पाती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मैंने इंस्टा से ली है. मैंने जब यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी तब से लेकर मैं इनके साथ बात कर रही हूँ. शी इज़ रियली क्यूट पर्सन. इनकी नेम है शागोरिका रॉय एंड इनके क्वेश्चन है, मैंने कब यूट्यूब स्टार्ट की थी? वेल, तो मैंने स्टार्ट की थी अगले साल अगस्त मंथ में. एंड सेकेंड क्वेश्चन है, लोग जब कोई न्यू स्टार्ट करती है तो उन्हें बहुत कुछ फेस करनी पड़ती है, तो मैंने क्या क्या फेस की थी? वेल, तो अलग कुछ नहीं है. एक बिगिनर्स के लिए, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको जो जो प्रॉब्लम्स को फेस करनी होती है, मैं वही की थी. एकदम स्टार्टिंग में मैं रिएक्शन वीडियो बनाती थी और उस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि रिएक्शन के लिए आपको एक अच्छे लैपटॉप की बहुत नीड है, जो कि मेरे पास नहीं थी. और मुझे नहीं पता मैं कैसे वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी, बस कर रही थी. मैं बस अपने दिमाग में ये सेट कर ली थी कि मुझे करना है, मतलब करना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे करना है. एंड उसके बाद 2-3 मंथ बहुत मेहनत लग रही थी, मतलब रोना धोना और नहीं हो रहा है, आई कांट डू दिस. बट देन जब गैप द सीरीज आई और मैं स्पॉइलर बनाना स्टार्ट की, उसके बाद जाके सब कुछ ठीक हो गई. बट प्रॉब्लम जो है वो वहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी. मुझे यूट्यूब पर उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो गैप द सीरीज की कुछ फ़ोटोज़ यूज़ करने से मुझे एशियन टीवी ने क्लेम दे दिया और साथ में ब्लॉक भी कर दिया वो वीडियोज़. उस टाइम पे मैं बहुत सैड थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी वो स्पॉइलर बनाने में. फिर मैंने जिद पकड़ लिया, अच्छा मुझे क्लेम दिया तो मैं उसी को ही कंटिन्यू करूँगी, और उसे ही कंटिन्यू करती गई. एंड नाउ फिर धीरे धीरे सक्सेस मिलती गई. वेल, उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं शॉर्ट में कर देती हूँ. थर्ड क्वेश्चन है, आपने क्यों सोचा कि आप LGBTQ के ऊपर ही वीडियो बनाओगे? वेल, मैंने कभी ये सोचा नहीं था. एक्चुअल में मुझे ये सीरीज बहुत पहले से ही बहुत पसंद थी. तब मैं सोच रही थी कि काश मैं ये सारे सीरीज के ऊपर कुछ काम कर सकूं. एंड गैप के बाद मैंने सोचा चलो इसे ही कंटिन्यू करते हैं. और उन्होंने पूछा मेरी हॉबी पेंटिंग है, स्केचेस है, और गिटार प्ले करना और स्केटबोर्ड करना, ये सब. ओके, नेक्स्ट है, आपकी जो पार्टनर होगी उसमें क्या क्वालिटी आप चाहते हो? तो मैं कोई क्वालिटी नहीं चाहती हूँ, मैं कंफर्टेबल रहूँगी, वो ऐसी पर्सन होगी, बस दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट है, वो पर्सन बंगाली है. मोन खराबे दिन है. अरे ऐतो सैड नेम कैनो.
वेल उन्होंने कहा, डू यू वॉन्ट टू बी माई गर्ल फ्रेंड? आई एम रियली सॉरी, एक्चुअलि आमी एखन कोनो रिलेशनशिप चाई ना, सो आई कांट। वेल सैड आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमीरा अख्तर, इनके सेकेंड क्वेश्चन है, आई एम रियली सॉरी मैं आपकी फर्स्ट क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाई। तो इनके क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आई एम अ गर्ल, सो एज अ गर्ल होकर गर्ल को लाइक करना सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करती है। यस, तो आई हैव ओनली वन क्वेश्चन फॉर यू, इट इज़ गुड। वेल अगर आपकी क्वेश्चन ये है, बींग अ गर्ल एंड लाइक अ गर्ल इट इज़ गुड, सो ऑफकोर्स इट इज़ गुड, दिस इज़ योर लाइफ, आपको किसे लाइक करना है किसे नहीं ये फैसला आपका होना चाहिए। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है आरजू, उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी हाउ मच इज़ योर माइंड आउट ऑफ कंट्रोल एंड नॉटी? बहुत ज़्यादा। वेल गैप द सीरीज के बाद सबका यही हाल है। बाय द वे आई एम ऑल्सो एडिक्टेड विद योर वॉइस, टू मच क्यूट एंड इनोसेंट जस्ट लाइक रूही, आई एम क्रश ऑन यू। ओहू थैंक यू, आई एम टू शाई। वेल नॉटीनेस तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही आती है दिमाग में। ओके नेक्स्ट है सीक्रेट स्टार, उन्होंने क्वेश्चन है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर की है। 104 डिग्री टेम्परेचर, ओ माई गॉड, आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो, दैट्स माई लव फॉर यू दिशा। अरे बाप रे, मैं क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स। उस टाइम पे भी आप मेरे वीडियो के लिए वेट कर रहे हो, आई मीन क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ। आई एम ग्लैड कि मेरी ये स्टोरी आप लोगों को हैप्पीनेस दे रही है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी हेल्थ की ध्यान रखिए, मेरी स्टोरी आते रहेंगे। ओके नेक्स्ट है माही ने किया है, जो उन्होंने भी अपनी फीलिंग्स को शेयर की है। फर्स्ट ऑफ ऑल माही, थैंक यू सो मच फॉर योर सच अ ब्यूटीफुल यूट्यूब बैनर। उन्होंने मेरी चैनल के लिए एक ब्यूटीफुल बैनर बना के मुझे दी है। तो उन्होंने कहा, दिस इज़ योर बेस्ट क्वालिटी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर दैट यू केयर अबाउट योर सब्सक्राइबर्स, लॉट्स ऑफ लव, कीप शाइनिंग। थैंक यू माही, एंड मुझे तो केयर करना ही होगी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स है ही इतनी क्यूट। ओके नेक्स्ट है कायरा, इन्होंने भी अपनी फीलिंग्स को शेयर की है। अमेजिंग, एंड ये बहुत ही सैड होता है कि हर एक स्टोरी का एंड भी हो जाता है, बट आई विश कि आप ऐसे ही टू स्टोरी भी अपलोड करें। वेल आप सीज़न टू के बात कर रहे हो या फिर कोई और स्टोरी? अगर सीज़न टू के लिए रिक्वेस्ट आती है तो मैं राइटिंग स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि गैप डार्क थ्योरी बस ख़त्म होने वाली है और इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी तो वैसे भी आएगी। ओके नेक्स्ट है पूछा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत बहुत बहुत। अरे बट क्यों, बट आप किस बात के लिए गुस्सा हो पूछा ये तो बताओ, नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगी। नेक्स्ट है सैम, ओ माय गॉड, अपना खून लगा दो फिर तो खून सैम हो जाएगी। ओके आई एम रियली हॉरिबल ना? वेल उन्होंने कहा है, मैं बहुत ही सिक हूँ, कुछ दिन पहले मेरी ऑपरेशन हुई है, बट जब मैं तुम्हारी वीडियो देखती हूँ देन आई फील बेटर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग दिशा, कीप इट अप। थैंक यू टू सैम, आई एम रियली हैप्पी कि आप हैप्पी हो। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की है दालिमी ने, क्वेश्चन है, दिशा दी कि आप स्टडी कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो? लव फ्रॉम आसाम, ओ माई गॉड, इतनी दूर दूर से मेरी लिसनर है, आई एम रियली ग्लैड। वेल दालिमी, मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है संस्कृत पर, और जॉब, नो मैं जॉब नहीं करती, अगर मैं जॉब करती तो मेरी ये चैनल नहीं होती और आप लोगों के साथ कभी भी मुलाकात भी नहीं होती। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटी सी सिस्टर पिया शाह की, दिशा दी आपको ये जीएल और बीएल सीरीज की एक्सप्लेनेशन की आइडिया कहाँ से मिला? वेल आइडिया तो मुझे कहीं से भी नहीं मिली थी, मुझे बचपन में ही इमेजिनेशन करना बहुत पसंद थी और जब मैंने गैप की स्पॉइलर बनानी स्टार्ट की तब मैंने रियलाइज़ की कि ये मेरे लिए बेस्ट है, और तब बहुत लोगों की मैसेजेस भी आती थी कि आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत सही है, तो वहाँ से स्टार्ट हुई एक्सप्लेनेशन। और पिया शाह की एक और क्वेश्चन है कि आपके फैमिली वाले जानते हैं कि आप जीएल और बीएल सीरीज एक्सप्लेन करते हो? फैमिली वाले कुछ खास है नहीं, सिर्फ मम्मी हैं और मेरी सिस्टर, तो मॉम को तो पता है, वो देखती है पर उन्हें कुछ समझ नहीं आती है, वो बस रिएक्ट करती है, ये क्या हो रही है, लड़की लड़की, लड़का लड़का, ये हो क्या रहा है।
बट हाँ, उन्होंने कभी मना नहीं की। वो ऑल टाइम कहती है, तुम दोनों को जो पसंद है तुम दोनों वही करो। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मॉम है और वो बहुत सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ों में। एंड और एक बात है, एक हाइडन बात, मॉम को नहीं पता अभी तक कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ। आई डोंट नो मैं जब ये बात कहूँगी तो उनकी रिएक्शन कैसी होगी। मैं जब भी इस टॉपिक को लेकर बात करती हूँ तो मॉम की रिएक्शन ये होती है, क्या लड़की लड़की ये कैसे पॉसिबल है। और मैं ऑल टाइम गैप्सीज देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करती हूँ और अपने लिप को लिक करती हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली मॉम ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी। फिर एक दिन सडनली कहा, ये ऑल टाइम सैम मॉम की वीडियो देखती है और अपने लिप को लिक करती है। लिटरली उस सिचुएशन में मेरी हार्ट बीट इतना ज़्यादा तेज़ हो गई थी ना, ओ माई गॉड। वेल गाइस, मैं आज की ये क्यू एन ए वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई नो कि जो लोग इतनी दूर तक आई है ये देखने के लिए कि क्या मेरे क्वेश्चन कवर की है दिशा, बट जब देख रहे हो कि नहीं तब आप बहुत सैड हो। आई नो ये फीलिंग्स सच में बहुत ही हर्ट होने वाली है। तो आई एम रियली सॉरी उन लोगों के लिए जिनका क्वेश्चन मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, बट आई प्रोमिस नेक्स्ट वीडियो में जिनका क्वेश्चन मुझसे छूट गया है मैं उनकी कवर कर लूँगी। क्योंकि लिटरली मुझे पता नहीं है कि क्यू एन ए वीडियो में इतना टाइम लगती है। अभी 8:15 हो रही है और मैंने अपने लंच कंप्लीट नहीं की, मैं बस ये वीडियो लेकर बैठी हूँ और तब से बैठी हूँ, इतना ज़्यादा टाइम लग चुका। लिटरली आई नेवर थॉट कि इतना टाइम लग जाती है। वेल, तो इसलिए मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि अपलोड होने के लिए भी बहुत टाइम लग जाती है। एंड हाँ, गैप डार्क थ्योरी की एपिसोड अभी बहुत सारे आएंगे। एंड हाँ, मैं गैप डार्क थ्योरी की एपिसोड 2-3 एपिसोड में ख़त्म नहीं करूँगी, थोड़ी लॉन्ग करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने मैसेजेस पढ़ी है जहाँ पे बहुत लोग सैड है कि इतनी जल्दी ख़त्म मत करो, तो इसलिए मैं स्टोरी को थोड़ी लॉन्ग करने वाली हूँ। एंड अगर उसके बाद भी आप सीज़न 2 चाहते हो इस गैप डार्क थ्योरी की, तो आप लोग मैसेज छोड़ देना, मैं राइटिंग स्टार्ट कर दूँगी। सो वेल गाइस, यही तक की वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।